तो ये उनका रेस्टोरेंट है, पूरा बंद करके रखा है, कोई भी सर्विस नहीं मिलेगी अभी। अभी आपने जो भजन सुना ना, वो यहाँ पे 24 घंटा लाइव चालू रहता है। हेलो नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। चेहरे पे तो स्माइल है बट खबर अच्छी नहीं है। अभी जैसे मैं सुबह सुबह उठा हूँ ना, तो बहुत ही बुरी खबर मिली है। तो यहाँ पे हम लोग जहाँ पे रुके हैं ना, हम लोग सानापुर करके जगह है, वहाँ पे रुके, अदर साइड ऑफ द रिवर, वो साइड पे हम्पी है मेन और यहाँ पे सानापुर है। और तो जहाँ पे रुके हैं ना हम लोग, ये सारे जो कैंप साइट है ना, तो मुझे हाय गोगो, तो अभी अभी हम लोग को पता चला है कि कुछ तो स्टे आ गया है और सारे कैंप साइट फ़िलहाल के लिए डिमोलिश करने को बोले। तो अभी हर एक ओनर जो है ना, वो गए हैं कोर्ट में देखने के लिए कि कुछ हो सकता है क्या। बट शायद से अगर कुछ हुआ नहीं तो कल मुझे यहाँ से अपनी ट्रिप आधे में छोड़ के निकलना पड़ेगा। प्लान कुछ और था बट अगर रहने के लिए जगह ही नहीं है तो क्या कर सकते। मैं वो साइड जाके रह सकता हूँ लेकिन उतना मज़ा नहीं आएगा यार, वो साइड पे रहूँगा ना जहाँ पे हम लोग कल गए थे। और मैं चेक भी कर रहा था, वहाँ पे सारी जगह फुल है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से सारे कैंसिलेशन होने के बाद सब ने वहाँ पे बुक किया, तो पता नहीं। लेकिन आज का दिन तो है, आज का दिन एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे सब कुछ। तो अभी रेडी हो लेते हैं। सोच रहा हूँ यार बाहर कहीं पे नाश्ता करने जाऊँ, यहाँ पे है ना साउथ इंडियन नाश्ता नहीं है और अपने को ना साउथ इंडियन नाश्ता चाहिए यार। तो रेडी होता हूँ और जहाँ पे कल लंच किया था ना, वहाँ पे जाके यार कुछ साउथ इंडियन नाश्ता कर लेते। तो ये उनका रेस्टोरेंट है, पूरा बंद करके रखा है, कोई भी सर्विस नहीं मिलेगी अभी। और वहाँ पर अपना कॉटेज, पता नहीं थोड़े टाइम के बाद और सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि मुझे क्या करना है, मेरा प्लान क्या रहेगा, कल से निकलना है वापस, रुकना है, क्या रहेगा, थोड़ी देर में सब क्लियर हो जाएगा। अभी जाते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि मैं जब से आया हूँ ना यार, मेरे को डोसा ये चीज़ इतनी पसंद है। आके मैं इंडिया के साउथ में हूँ और अभी तक एक डोसा नहीं खाया, तो इसके लिए आज तो रेस्टोरेंट बंद है तो मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि जाके मैं उधर ही ब्रेकफास्ट करने वाला था। तो जाते हैं और मस्त में साउथ इंडियन नाश्ता इंजॉय करते। तो वहाँ पे ये सब भैंस है ना, उनका दूध निकाल के बनाई थी ये चाय। और सीन देखिए क्या हो गया, चाय में गिरी है मक्खी, मेरी चाय मक्खी पी लिया। तो सिस्टर है ना, वो दूसरी दे रही है, क्योंकि वो भैंस के दूध की चाय में मिस नहीं कर सकता, इतनी प्यारी लगने वाली है ना। दूसरी चाय आ गई है, प्यारी है यार। अभी हमने जहाँ पे नाश्ता किया है वो होटल का नाम है लवली फैमिली होटल। बहुत ही प्यारा नाश्ता था यार, मज़ा आ गया यार, मतलब प्रॉपर होममेड साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट करने को मिला। खाना भी कल का बहुत बढ़िया था। तो अगर आप लोग सानापुर में है ना, तो लवली फैमिली होटल में खाना और नाश्ता करना बनता है। गजब की चीज है यार, चारों तरफ रुइंस है, पत्थर के पहाड़ है और बीच में सानापुर लेक है यार। इतना प्यारा लग रहा है, ऐसे लग रहा है इधर ही पूरी पूरा जो वक्त है ना मेरा, यहाँ पे बिता दूँ यार, बॉनफायर वनफायर करो और मस्त यहाँ पे बैठ जाओ। लेकिन अलाउड नहीं है तो नहीं कर सकता, बट नज़ारा तो एंजॉय कर सकते है। देखो किधर चढ़ा है, स्पाइडरमैन, ओ स्पाइडरमैन, फोटो के लिए। एक चीज गाइस, हर टाइम मैं मेरे इस चैनल से ना एक ही मैसेज देता हूँ,
यहाँ पे अपना इतना प्यारा लेक है, इतना खूबसूरत इंडिया है, और ये देखिए लोगों ने क्या करके रखा है यार। कितनी गलत चीज़ है, कितनी गलत चीज़ है। देखो मुझे पता है कि आप लोग मेरा चैनल जो देख रहे हो ना, ये वीडियो जो देख रहे हो, वो लोग नहीं करते रहेंगे, लेकिन एक भी जन को ये वीडियो देखेगा जो ये कर रहा है ना, तो बस उसको समझ में आ जाएगा कि ये कितना गलत है। तो ये सब चीज़ें मत कीजिए। अपना इंडिया इतना खूबसूरत है, बाहर के देश के लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, तो ये सब चीज़ें करेंगे ना तो अच्छा नहीं लगता है यार। तो बस बाकी सब बहुत बढ़िया है। आते वक्त मैंने गोप्रो ना हेलमेट पे नहीं लगाया था, बोला बाद में लगाऊंगा, लेकिन जो रोड से आया हूँ ना, वो आप लोगों को दिखाने का था कि कितना प्यारा रोड है। दोनों बाजू पे लेक है और बीच में से एकदम पतला रास्ता बनाया है, और ये अपने बड़े बड़े पत्थर यार लोग अपने। एमएच महाराष्ट्र की गाड़ी थी, महाराष्ट्र की। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो व्हाट इज द सीन? Okay. 5 minutes from here. So I was there only. Now? Yeah. Why? Just like that. You said it will take some time for you. Ah. So you go up? Yeah, I was up. Until the lake? Wala una sasa baba mama. But you are going to Aisha. ये लोग हैं ना, हमने से ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। मैं जहाँ था ना, नोया बोल रही है कुछ भी नहीं है वो। इससे गजब वाली चीज़ तेरे को दिखाती हूँ। तो अभी लेक ही जा रही है। ओ वाओ, वेट वेट, दैट्स माय कार। व्हाट वाज दैट? आई डोंट नो। ओ इट्स गॉट ऑन दिस स्टोन, दैट्स व्हाई। यू आर गिविंग मी गुड कंटेंट नोया, फनी कंटेंट। This is how you should have cook, right? तो यार ये तो और गजब की जगह है यार। पूरा ट्रैक करके आए हैं कहीं से, यहाँ से, और यहाँ पे ना स्विमिंग कर सकते हैं। आपके भाई की तो फटती है स्विमिंग करने से, तो मैं तो नहीं करूँगा। मैं और उसकी फ्रेंड है, वो लोग स्विमिंग करने जा रहे हैं, मैं तो सिर्फ बैठूंगा और नजारा देखूंगा। जिस दिन मुझे स्विमिंग आएगा ना, एक व्लॉग तो सिर्फ स्विमिंग पे बनाऊंगा। पूरा टाइम स्विमिंग करते रहोगे और व्लॉगिंग करते रहोगे यार, इतनी मेरी जाय जलती है ना। स्विमिंग नहीं आता यार मुझे, यार आपके ट्रैवलर को स्विमिंग नहीं आता। तो थोड़ी तरक्की हो गई है, वहाँ पे बैठा था, यहाँ पे आ गया वो। तो सीख रहा है भाई, आपका स्विमिंग सीख रहा है। अभी पहले पैर स्विम करेंगे, फिर और एक हद दो साल के बाद आपका भाई भी स्विमिंग करेगा। तो नोया और उसकी फ्रेंड वहाँ पे, और मैं यहाँ पे हूँ। ओके, इट्स स्टार्टेड नाउ, टेक। What? You can take it inside. In an ocean. But you know it's not. You can. Woohoo! There was a lot of rain in the ocean. But if it's full. Forget it. You have to see the bayan. Ah! This is me. It's already on. Yeah, it's my vlog. Hi! I'm Noya. I'm Noya. I'm not in fit. Let's get inside. I don't know. तो अभी जहाँ पे सुबह मैंने ब्रेकफास्ट किया था, वही जगह पे आए थे खाना खाने के लिए। ऐसी चीज़ है ना कि पूरे अभी ये पूरे एरिया में ना सिर्फ यही एक रेस्टोरेंट ओपन है, बाकी सारे रेस्टोरेंट बंद हो गया, क्योंकि ये भाई अपना लीगल है। तो इसके यहाँ पे हम लोगों ने थाली मंगाई थी, और अभी जा रहे हम प्यारा सा सनसेट कवर करने के लिए। तो अभी जा रहे हम लोग प्यारा सा सनसेट कवर करने के लिए। यहाँ पे पास में
16 किलोमीटर की राइड है। तो अभी हम लोग आए हैं माल्यवंता हिल पे, जहाँ पे ये टेंपल का नाम है ना रघुनाथा गुडी टेंपल है। ऐसे बोला जाता है माइथोलॉजी के हिसाब से कि जब राम भगवान वनवास के लिए निकले थे तो बारिश के टाइम पे राम भगवान, सीता माता और लक्ष्मण जी यहाँ पे आके विराजमान थे। कुछ वक्त उन्होंने यहाँ पे बिताया था और राम भगवान के जो पिता थे उनका पिंडदान यहाँ पे हुआ था। बहुत ही बड़ा मंदिर है और यहाँ से आज का सनसेट कवर करेंगे। अभी आपने जो भजन सुना ना, वो यहाँ पे 24 घंटा लाइव चालू रहता है। शिफ्ट चेंज होते रहते हैं पंडित जी के, बट पूरा 24 घंटा भजन चालू रहता है। तो गाइज अभी आप लोगों ने जो वीडियो देखा ना, हम लोग सब जन साथ में खाना खा रहे थे, तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है ना कि हम्पी में ना सारे, सच्ची बोल रहा हूँ, सारे रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए हैं। जो एक दो घर वाले रेस्टोरेंट चालू है जो यहाँ से काफ़ी दूर है ना, वो चालू है, बट वहाँ रात को जाना पॉसिबल नहीं रहता है। वो यहाँ से 20 किलोमीटर पर है। तो एक्चुअली ना यहाँ पर एक घर है नज़दीक में जिससे एक इजरायली बंदा है जो अभी इजरायल में है, लेकिन एकदम फैमिली मेम्बर के जैसे है उनके लिए। तो इन लोग का ना एक बड़ा ग्रुप रहता है, जो भी टूरिस्ट आते हैं इसराइल से इंडिया एक्सप्लोर करने के लिए ना, तो ये लोग एक ग्रुप फॉलो करते हैं जिसमें पूरा अपडेट्स और सब कुछ आते रहता है। तो जैसे उसको पता चला ना, तो उसने उधर बताया, बोला कि जितने भी इजरायली हैं ना वहाँ पे, उनके खाने का बंदोबस्त कर देना रात के लिए। तो उसने पूरा इजरायली खाना बनाया था और फिर नोया ने मुझे वहाँ पे इन्वाइट किया, क्योंकि मेरे को सच्ची कुछ खाने को नहीं मिलता था यहाँ पे। मैंने तो चिप्स और सब लेके रखा था, लेकिन फिर नोया का फ़ोन आया कि तू इधर आ जा, इधर खा सकते हैं। मेरा जो कॉटेज जहाँ पे है उसने तो भाई बना कर दिया, उसने तो पूरा लाइट्स वाइट्स भी ऑफ कर दिया है। यहाँ पे लाइट्स भी बहुत मुश्किल से है, मतलब मेरे को उससे बात करके उसको कन्विंस करना पड़ा कि भाई रूम का लाइट तो चालू रख, क्योंकि सिचुएशन बहुत ख़राब है। तो यही आप लोगों को बताना था कि वो लोग कैसे साथ में रहते। इसके लिए मैंने ना वहाँ पे 2 मिनट का वीडियो बनाया, ज़्यादा खाते वक्त का वीडियो बनाया नहीं, सीखने जैसी चीज़ें। तो अपने सारे इजराइल फ्रेंड्स ना मस्त में गाना गा रहे हैं, तो इससे अच्छा टाइम नहीं रह सकता है आज का ये व्लॉग ख़त्म करने के लिए। यहाँ पे नोया, यू एंजॉय टुडे? यस, वेरी वेरी मच, आई एम सो टायर्ड, ट्रैवल ऑल डे, इट वाज गुड। तो आज का ये व्लॉग यहाँ पे ही ख़त्म करते, कल क्या होगा हमको पता नहीं। हम हम्पी पे, हम्पी से निकल रहे हैं, वो कल सुबह पता चलेगा। तो इसके साथ ये व्लॉग यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आ गया रहेगा तो प्लीज़ इधर लाइक बटन, जो नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। गुड बाय, टेक केयर, लव लाइफ, लव लाइफ, लव यू गाइस, बाय बाय।